नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। खबर यूपी के मऊरानीपुर से खबर आ रही है, जहां पर पंचायत चुनाव में सिरदर्द बना चालान। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। अब उम्मीदवारों को बैंक में चालान फीस जमा करने के लिए भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बैंक में दलालों की दबिश बनी हुई है। गौरतलब है कि यह चालान फीस भी आसानी से नहीं भरी जा सकती। साथ ही आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों के कोरोना का कहर भी प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। चालान फॉर्म जमा करने के लिए आए थे, हुआ जमा? नहीं हुआ। 12 बजे से लाइन में लगे रहे और कहने के लिए तो 3 काउंटर का सुना था, लेकिन उन्होंने अभी 2 काउंटर की ही न्यूज़ दी है कि 2 काउंटर चले हैं। और कल की छुट्टी भी बता रहे हैं। हम लोग इतने परेशान हैं, कम से कम 45 किलोमीटर से आ रहे हैं, दिन भर भूखे प्यासे लाइन में लग रहे। इतनी अव्यवस्था है कि हम लोगों को परेशान हो गया। और मतलब कल की छुट्टी ही बता रहे या परसों की लाने के रहे, अब एक दिन में कहाँ से चालान जमा होगा? आपको क्या लगता है, आपके पीछे वालों का काम हुए है क्या? हाँ, कई जने के पीछे होकर चले गए। हम लोग इधर लेने में खड़े रहे, हमने अपनी एक महिला को भेजा तो आज अब कम से कम 5 घंटा हुआ है, अभी तक चालान जमा नहीं हुआ है। चालान फॉर्म जमा। यूपी में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। आपको बता दें, खबर यूपी के गोंडा से सामने आ रही है, जहाँ पर एक तरफ जहां योगी सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति जैसे अनेक योजनाएं आए दिन संचालित कर महिलाओं बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में सामूहिक दुष्कर्म का मामला बढ़ता ही जा रहा है। थाना क्षेत्र कटरा बाजार में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी में बलदेव पासवान के पुत्र का नाम भी सामने आया है। आपको बता दें कि आरोप है कि मंगलवार देर रात को जब पीड़िता अपने घर में सो रही थी, तब 5 दरिंदे घर में घुसकर पीड़िता को पास के जंगल में ले जाकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया। लड़की कहाँ जबरदस्ती उठा ले गए, जबरदस्ती कौन, क्या पूरा मामला बताइए, कैसे क्या हुआ? मतलब वो लोग आए थे, 4 लोग यहाँ से गए थे कटरा से, नाम हमको नहीं पता, नाम हम नहीं जानते, नाम वो लोग जानते हैं जो क्या बोलते हैं, मतलब दीवान और दुर्गेश। वो लोग जब लड़की चिल्लाए नहीं तब वो बताए नहीं। कटरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ये यूपी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उसी के गांव के युवकों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस पर थाना स्थानीय थाना कटरा बाजार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई है। आपको बता दें, खबर यूपी के मऊ से सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मऊ जिला से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मऊ जनपद में तेज रफ्तार से आ रही इंडिका कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होने के कारण बाइक पर सवार 2 शख्स की मौत हो गई है। इनामी डकैत और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें, खबर यूपी के चित्रकूट से सामने आ रही है, जहां पर चित्रकूट में 1.5 लाख के इनामी डकैत गौरी यादव नाम के गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी डकैत गौरी यादव की गोली लगने से घायल हो गया। गौरतलब है कि इस मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी संख्या में 315 बोर की राइफल और कारतूस बरामद हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि जो आखिरकार कब तक पुलिस इनामी डकैत को गिरफ्तार कर पाती है। थाना बैलपुरवा में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि माणोबंधा के पास कुछ बदमाश बैठे हैं, जो कि पंचायत चुनाव को लेकर उसे बाधित करने के लिए कुछ रणनीति बना रहे हैं। इस सूचना पर जनपद चित्रकूट की SOG टीम और STF द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में वहां पर दबिश दी गई और जितने भी वहां 3-4 अभियुक्त मौजूद थे उनको आत्मसमर्पण हेतु ललकारा, परंतु
उन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस पार्टी द्वारा आठ लेते हुए अपनी रक्षा करते हुए आत्मरक्षा उन अभियुक्तों पर फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त को गोली लग गई। तत्काल उस अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया और शेष अभियुक्तों की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। जिला अस्पताल में जब उसका पहुँचा हो तो डॉक्टरों द्वारा उस अभियुक्त को मृत घोषित कर दिया गया। दौरान तलाशी उसके कब्जे से पहचान पत्र बरामद हुआ, जिसमें उसका नाम भालचंद्र यादव पडवनिया सपना एमपी का रहने के रूप में तस्दीक हुआ है। उक्त अभियुक्त जनपद चित्रकूट से जनवरी के एक मुकदमे में वांछित था बैलपुरवा थाने के और 25,000 रुपये का इनामी अपराधी था। इसके द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के साथ मारपीट की गई थी। यह गौरी यादव का रिश्तेदार। पुलिस के संरक्षण में लूटपाट हुई। आपको बता दें खबर यूपी के फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में फिर एक बार कातिया गैंग का आतंक पांव फैला रहा है। सरेआम लूटपाट के साथ साथ आतंक जैसी घटनाओं को सरेआम अंजाम दे रहा है। गौरतलब है कि कातिया गैंग पुलिस के संरक्षण में लूटपाट जैसे तमाम घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें आप सत्तावन बटे अट्ठाईस की रात को देसी शराब की दुकान है अकमेलपुर, उसका ताला तोड़ के रुपये भी लेकर और क्वार्टर सब निकाल ले गए। कच्ची शराब की मैंने शिकायत की कई बार चौकी इंचार्ज से, उसी रंजिशन मेरा ताला तोड़ दिया गया। तब से मैंने दुकान भी नहीं खोली है ना शराब बेची। अगर मुकदमा नहीं लिखता है तो ठेका ऐसे ही रहेगा, उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। हमें कितने चक्कर लगा रहे हैं मुकदमा लिखाने के लिए? हम आए भी नहीं, होली थी तो हम होली नहीं आए। बात हुई अधिकारियों से भी, सीओ साहब ने भी कहा, सीओ साहब मौके पर गए उसमें जांच करने। अच्छा, इसमें कौन से गैंग चल रहा है? कमाल गैंग, तातिया गैंग बताया जा रहा है? तातिया गैंग नहीं, ये लोफड़ों के हर गाँव के दो दो छः सात सात लड़के हैं। फोन किया 25-30 इकट्ठे हुए, मनो जिसके घर में घुस जाना, गाली गलौज करना, मारपीट करना। एम्बुलेंस में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। आपको बता दें खबर यूपी से सामने आ रही है, यूपी के बागपत में शराब तस्करी का मामला आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की संयुक्त टीम और शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक शराब तस्कर को गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि दूसरे बदमाशों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 31/3/2021 को आबकारी टीम और पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से निवाड़ा चौकी पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान हरियाणा की तरफ से एम्बुलेंस में अवैध शराब लाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिस व्यक्ति ने अपना नाम संदीप निवासी हरियाणा बताया। उस व्यक्ति से पूछताछ के दौरान पता चला कि इसके द्वारा कुछ शराब यमुना नदी के किनारे छिपा कर रखी गई है। उस व्यक्ति को लेकर जब पुलिस टीम वहां पहुंची, उसके बताए स्थान पर पहुंची, तो वहां पर इसने पहले से मौजूद व्यक्ति को सतर्क करते हुए चिल्लाकर पुलिस के आने की सूचना दे दी, जिस पर वहां पर पहले से मौजूद व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में वह व्यक्ति घायल हुआ। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें खबर यूपी के हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां पर यूपी के हमीरपुर से एक दुखद खबर सामने आ रही है। एक बार फिर ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार मौके पर ही दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर रोड जाम किया। गौरतलब है कि मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने जाम खुलवाकर कार्रवाई शुरू की। आप लोग जाम क्यों लगाए हुए हैं यहाँ पे? ये दुर्घटना हुई ट्रक से, ये जो ने संजय सिंह पुत्र पूरन लाल 3 सरसी खाना देकर घर जा रहा था, रास्ते में ट्रक नंबर UP 77EL 4836 जूदा टक्कर मार दी, जिससे उसकी बाइक ट्रक में फंस गई।
वह बार बार ट्रक ड्राइवर को चिल्लाता रहा, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने नहीं रोका। 30 मीटर दूर जब वो गिर गया तो ट्रक ड्राइवर ने फिर बैक करके पीछे से उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया और आगे निकल गया। हमने तुरंत थाने में सूचना दी, जिससे ट्रक दोनों थाने में सीज हैं। संजय सिंह बिहार जा रहा था, बिहार से खाना दे के लौटा शाम की बार, वही 9:44 पर वहाँ से ठेला आया, यहाँ से जा रहा था, उसने टक्कर मारी जोरदार और वो फंस गया ट्रक की बाड़ी में। फिर वो चला जाएगा घिस्टा 30 मीटर दूर, वो फिर वो गिरा तो उसने फिर पीछे से चढ़ा दिया। यूपी के फिरोजाबाद में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर फिरोजाबाद में छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां एक महिला ने युवक को सरेआम बीच बाजार पिटाई कर सबको सबक सिखाया। गौरतलब है कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। कोविड टीकाकरण का कार्य शुरू हो चुका है। आपको बता दें खबर यूपी के बस्ती से सामने आ रही है, जहां पर यूपी के बस्ती जिला में 1 अप्रैल यानी कि आज से प्रत्येक ब्लॉक के 4-4 हेल्थ वेलनेस सेंटर पर कोविड टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने भी सभी MOIC को इसकी तैयारी पूर्णतः कर टीकाकरण करने के निर्देश दे दिए हैं। गौरतलब है कि जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और सभी CHC, PHC पर कोविड का टीका लगाया जाएगा। खबर यूपी के शाहजहांपुर से सामने आ रही है, जहां पर मेधावी के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि यूपी के शाहजहांपुर में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की ओर से बस एकता सम्मेलन हुआ, जहां पर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा वृंदावन के कलाकारों ने लठमार होली के बाद फूलों की होली खेली, शिव तांडव नृत्य भी किया। दरअसल गांधी भवन परीक्षा किराए में हुए अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मेधावी छात्र छात्राओं को सूचित कर उनका हौसला बढ़ाया गया, जिन्होंने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में 85% अंक और इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे राज्य मंत्री महेश गुप्ता और परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने देश प्रदेश का खजाना भरने में वैश्य समाज भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि परिषद का सामाजिक योगदान सम्मान के सभी जाति धर्मों के लोगों को सामान्य रूप से लाभान्वित कर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए विस्टार न्यूज़। नमस्कार।